हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कुछ दिन पहले मेरा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि बीकेएस का जो पोका टूर्नामेंट है उसको कैसे खेल सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताऊंगा कैसे बीकेएस का पोका टूर्नामेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद कैसे खेल सकते हो, सब कुछ डिटेल में। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बीकेएस का पोकर टूर्नामेंट कैसे खेलते हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा बीकेएस में पोकर कैसे आप खेल सकते हो। तो अगर आप नहीं जानते हो बीकेएस में कैसे पोकर गेम खेला जाता है, तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बीकेएस में कैसे पोकर आप खेल सकते हो। तो चलिए पहले आपको बता दूं बीकेएस का पोकर टूर्नामेंट में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे पहले पोकर गेम में एंटर करना है, उसके बाद टूर्नामेंट का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है, या तो बीकेएस का जो फ्रंट पेज है उसमें थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको ऐसी का ऑप्शन दिख जाएगी, उसके ऊपर जैसे ही टैप करोगी तो डायरेक्ट यहाँ पे बीकेएस का जो पोकर टूर्नामेंट है उसमें आप एंटर कर जाओगी। और यहाँ पे जो भी पोकर टूर्नामेंट अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे जिसमें चाहो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला जो पोकर टूर्नामेंट है वो लगभग यहाँ पे 1 घंटा 37 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। तो चलिए उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। और एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे उस टूर्नामेंट के ऊपर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्टर का ऑप्शन है उसके ऊपर ही टैप कर देना है, और जैसे ही इस रजिस्टर का ऑप्शन के ऊपर टैप कर दोगी तो यहाँ पे उस टूर्नामेंट में आप ज्वाइन कर जाओगे। तो देखो अगर आप वीआईपी यूजर नहीं हो तो अभी आपको जो भी टूर्नामेंट मिलेगी फ्री टूर्नामेंट मिलेगी, मतलब सारे टूर्नामेंट में आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे थर्ड लेवल खत्म होने के बाद अगर आपका रैंक 754 तक आ जाता है तो आपको यहाँ पे प्राइज मिल सकता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1500 कॉइन मिलेगी, तो आपको क्या करना है उस कॉइन को बढ़ाना है, और आपके पास जितना ज़्यादा कॉइन रहेगी उसके हिसाब से आपका रहेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना लोग खेल सकते हैं, यहाँ पे टोटल 10,000 लोग खेल सकते हैं, लेकिन उतना लोग खेलता नहीं है, बहुत ही कम लोग खेलता है। उसमें से टोटल 754 लोगों को प्राइज मिलता है। तो जो फर्स्ट आता है उसको 100 रुपीज़ मिलता है, और जो सेकेंड आता है उसको 50 रुपीज़ मिलता है, और जो थर्ड से लेकर 100 तक रहता है उनको 2 रुपीज़ करके मिलता है, और जिन लोग 101 से लेकर 754 तक रहता है उन लोगों को 1 रुपीज़ करके मिलता है। तो यही है यहाँ पे जो बीकेएस का पोकर का फ्री टूर्नामेंट है उसका प्राइज। तो अभी यहाँ पे पोकर का कैश टूर्नामेंट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है कैश टूर्नामेंट या अलग टाइप का टूर्नामेंट पोकर में आपको मिल जाए। तो अभी चलते हैं यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देते हैं और यहाँ पे इस टूर्नामेंट में एंटर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने रजिस्टर का ऑप्शन के ऊपर जैसे टैप कर दिया, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ चुके, अलाउ का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना, जैसे टैप कर दोगी यहाँ पे रजिस्टर हो जाओगी। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लगभग 1 घंटा 37 मिनट के बाद ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, लगभग 1 घंटा 35 मिनट या 36 मिनट के बाद इस ऐप में, मतलब बीकेएस ऐप में फिर से आ जाना है, उसके बाद टूर्नामेंट के अंदर एंटर करके आप यहाँ पे टूर्नामेंट को खेल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे बीकेएस को क्विट कर देते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 घंटे 37 मिनट के बाद बीकेएस ऐप में आते हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट में एंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो लगभग टूर्नामेंट स्टार्ट होने में 1.5 मिनट बाकी है, मैंने यहाँ पे बीकेएस में एंटर कर लिया, अभी यहाँ पे पोकर गेम में एंटर कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जो टूर्नामेंट का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है। तो जैसे टैप करोगी तो यहाँ पे जो टूर्नामेंट में आपने एंटर किया है यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना है। देखो यहाँ पे लगभग 4 सेकंड के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, तो आपको इस पेज में ही थोड़ा बहुत वेट कर लेना है। तो अगर आप टूर्नामेंट स्टार्ट होने से कुछ देर पहले से इस पेज में आके वेट करोगी तो डायरेक्ट आप टूर्नामेंट में एंटर कर दोगे, आपको यहाँ पे टूर्नामेंट में एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत लेट कर दे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्ले का ऑप्शन दिखाएगी, तो जैसे ही उस प्ले का ऑप्शन के ऊपर टैप करोगी तो आप यहाँ पे टूर्नामेंट में एंटर कर जाओगे। तो यहाँ पे देखो मैंने टूर्नामेंट में एंटर कर लिया, और यहाँ पे मुझे खुद से यहाँ पे एंटर करना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले से यहाँ पे इस पेज में आके वेट किया था। तो यहाँ पे देखो टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हो चुके, तो अभी चलते आपको बता दूँ यहाँ पे टूर्नामेंट का रूल क्या है। तो यहाँ पे देखो जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 1500 कॉइन मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 लेवल चलता है उस 3 लेवल के बाद आपका कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा हाई करना है, और 3 लेवल के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा कॉइन रहेगी उसका ही रैंक 1 होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 3 लेवल खत्म होने के बाद अगर आपका जो रैंक है वो 754 के अंदर रहता है तो आपको यहाँ पे प्राइज मिलेगी, और अगर आपका रैंक उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पे प्राइज नहीं मिलेगी। और एक बात, यहाँ पे अगर आपका कॉइन खत्म हो जाता है, अगर फर्स्ट और सेकेंड लेवल में आपका कॉइन खत्म हो जाता है तो आपको यहाँ पे फिर से 1500 कॉइन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले एंटर करने के लिए आपको 1 भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका कॉइन यहाँ पे फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल में ख़त्म हो जाता है तो आप 1 रुपीज़ देके फिर से यहाँ पे कॉइन ले सकते हो, 1500 कॉइन ले सकते हो। लेकिन थर्ड लेवल में अगर आपका कॉइन ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर से यहाँ पे कॉइन नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे पैसा दे के भी कॉइन खरीद नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थर्ड लेवल ख़त्म होने से पहले तक आपका जो कॉइन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई करना है। आप जितना ज़्यादा आपका कॉइन को हाई करोगी तो आपका यहाँ पे जीतने का चांस उतना ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पोकर टूर्नामेंट में जो 3 लेवल होता है, हर एक लेवल 7 मिनट का होता है,
तो 7 मिनट खत्म होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट लेवल में इंटर करने के लिए कितना कॉइन की जरूरत है, यहाँ पे जो टीनी डिटेल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखाई देगी यहाँ पे मिनिमम कितना पॉइंट की जरूरत है नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। तो अभी चलते आपको बता दो पोकर टूर्नामेंट में पोकर गेम खेलने का रूल क्या है। तो देखो, जब पोकर का कोई कैश गेम आप खेलते हो तो आपके पास जो भी पैसा रहता है उस पैसा से ही बिड लगाना पड़ता है, और आप अगर जीत जाते हो तो बाकी लोगों में से पैसा आप जीत जाते हो, और अगर आप हार जाते हो तो आपका पैसा लॉस हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉइन से ही बिड लगाना है, और अगर आप जीत जाते हो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बाकी लोगों का कॉइन मिल जाएगी, मतलब बाकी लोगों ने जितना कॉइन बिड लगाया उतना कॉइन आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे जैसे मिनिमम बिड होता था तो ऐसे ही यहाँ पे भी मिनिमम बिड होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे मिनिमम बिड 15 कॉइन होता है, और यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो ज़्यादा कॉइन भी बिड लगा सकते हो। उससे क्या होगा, अगर आप जीत जाते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन मिलेगी, और अगर आप हार जाते हो तो अपने जितना कॉइन का बिड लगाया वो लॉस हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे गेम खेलने का रूल है, मतलब यहाँ पे जैसे आप किसी भी कैश गेम खेलते हो ऐसे ही सेम रूल में आप खेल सकते हो, सिर्फ वहाँ पे आप पैसा से खेल रहे हो, यहाँ पे आपको जो भी कॉइन मिल रहा है उस कॉइन से ही आपको खेलना है, इतना ही फर्क है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है, और अगर यहाँ पे कॉइन ख़त्म हो जाता है तो आप कॉइन को खरीद सकते हो, लेकिन उससे आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। मतलब अगर आप फर्स्ट लेवल में कॉइन खरीदते हो तो आपको 1 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड लेवल में कॉइन खरीदते हो तो आपको 1 रुपीज़ देना पड़ेगा, और थर्ड लेवल में आप कॉइन नहीं खरीद सकते। अगर आपका थर्ड लेवल में कॉइन ख़त्म हो जाता है तो आप डायरेक्ट गेम से बाहर हो जाएगी, और आपके पास जो भी कॉइन रहेगी उसके हिसाब से रैंक आएगी, और अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो आपको यहाँ पर प्राइज़ भी मिल सकता है अच्छा खासा। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे फर्स्ट लेवल में जो मिनिमम बिट होता है उससे ज़्यादा होता है सेकंड लेवल में, और थर्ड लेवल में मिनिमम बिट उससे भी ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी रूल था मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से समझा दिया, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अच्छा से जानना चाहते हो तो यहाँ पे जो टीनी डिटेल्स का ऑप्शन है उसके ऊपर जैसे ही टैप करोगी तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है मैंने जो कुछ बताया सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो आप यहाँ पे अच्छा से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो चले यहाँ पे आप लोग गेम को देखते रहो, और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लास्ट लेवल तक जाने की और यहाँ पे प्राइज भी जीतने की। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैं लास्ट लेवल तक जा पाता हूँ या नहीं। तो आप लोग गेम प्ले को देखते रहो, टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ। We'll be right back.
तो यहाँ पे देखो मैंने लेवल 3 में आ गया और यहाँ पे लेवल 3 ख़त्म भी हो चुकी है और यहाँ पे लास्ट गेम है और लेवल 3 का जो लास्ट गेम है वो भी ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे ओके का ऑप्शन के ऊपर अभी टैप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे ओके का ऑप्शन के ऊपर टैप कर देते हैं और यहाँ पे देखो मेरा रैंक 88 है, मतलब यहाँ पे मुझे 2 रुपीज मिल जाएगी क्योंकि लेवल 3 ख़त्म होने के बाद मेरे पास लगभग 8,500 कॉइन है, तो उस कॉइन के हिसाब से मेरा रैंक 88 है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 रुपीज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने टाइम के बाद मुझे यहाँ पे 2 रुपीज मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम के बाद, लगभग 5 मिनट के बाद यहाँ पे देखो बिग कैश से नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, मुझे 2 रुपीज मिल चुके, मेरा रैंक है 89, तो इसके हिसाब से मुझे 2 रुपीज मिल चुके क्योंकि मेरा रैंक 100 के अंदर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 रुपीज मिल चुके। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग भी बिग कैश का जो पोकर टूर्नामेंट है उसको खेल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया कैसे बिग कैश का पोकर टूर्नामेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो, कैसे खेल सकते हो, तो सब कुछ डिटेल में आपको अच्छा से समझा दिया। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, आपका कुछ भी फायदा हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अगली ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।